सीमेंट। सीमेंट भी कैल्शियम से संबंधित ही एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में, बांध बनाने में, या हम कहें कि भवन निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले जो ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हैं जोसेफ एस्फटीन ने 1824 सन में किया था। उन्होंने जब इसका प्रयोग किया, वो पोर्टलैंड नाम दिया इस पदार्थ का। वो इसलिए दिया कि ये ब्रिटेन के ही एक पोर्टलैंड टापू में पाए जाने वाले प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता गुण रखता था, इसलिए इसका नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता हो ऐसा कोई पदार्थ, साथ में मिट्टी जिसमें कि सिलिका, एलुमिना, मैग्नीशियम, लोहा, ये सारी चीज़ें होती, इन सभी से बना हुआ एक मिश्रण होता है। सीमेंट के लिए एक निश्चित कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है, बल्कि ये कई सारे यौगिकों का एक मिश्रित संगठन होता है। तो सीमेंट में कौन कौन से यौगिक होते हैं सम्मिलित, वो हम जानेंगे, और कितना कितना प्रतिशत होता है ये भी हम समझेंगे। तो सीमेंट के संगठन में हम देखते हैं कुछ मुख्य मुख्य जो घटक हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो प्रतिशत मान है वो 50 से 60 प्रतिशत होता है लगभग। सिलिका SiO2 जिसका प्रतिशत है 20 से 25 प्रतिशत, और एलुमिना Al2O3 जिसका प्रतिशत है 5 से 10 प्रतिशत, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका प्रतिशत है 2 से 3 प्रतिशत, Fe2O3 का प्रतिशत होता है 1 से 2 प्रतिशत, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी 1 से 2 प्रतिशत, Na2O 1 प्रतिशत और K2O भी 1 प्रतिशत। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ऑक्साइड्स हैं उनका ही एक मिश्रण है, एक अलग इसी से बना हुआ जो यौगिक है उन सब का एक मिश्रण होगा सीमेंट। सीमेंट भूरे रंग का एक चूर्ण होता है, बारीक चूर्ण होता है, जिसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। अच्छी क्वालिटी वाला जो सीमेंट होता है उसमें प्रतिशत मान सिलिका का या एलुमिना का कितना होना चाहिए वो देखिए। सिलिका का प्रतिशत और एलुमिना का प्रतिशत दोनों का अनुपात यदि 2.5 से 4 के बीच में है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट माना जाता है। इसी प्रकार चूने का प्रतिशत और सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन का जो मिश्रित रूप होगा, और इन दोनों का अनुपात यानी चूना का प्रतिशत, सिलिका, एलुमिना और आयरन के ऑक्साइड, इन तीनों का जो मिश्रित रूप होगा उनका प्रतिशत, दोनों का अनुपात होना चाहिए 1.9 से 2.1 परसेंटेज, तो ये एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट माना जाता है। सीमेंट का जब निर्माण किया जाता है तो कुछ कच्चे पदार्थ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कच्चा पदार्थ है वो है चूने का पत्थर। तो चूने के पत्थर से प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा ही कैल्शियम सिलिकेट, डाई सिलिकेट, ट्राई सिलिकेट, ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो यह एक मुख्य कंपोनेंट होता है। अगला है कच्चा पदार्थ चिकनी मिट्टी। इस चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एलुमिना Al2O3, साथ में मिश्रित किया जाता है जिप्सम। तो ये सब कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सीमेंट का जब निर्माण किया जाता है तो कच्चे पदार्थ के रूप में जो चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। दोनों को मिक्स करते हैं, गर्म किया जाता है मिक्स करके, और गर्म करने पर ये गल जाते हैं, और जब गलने लगते हैं तो इनके मध्य क्रिया होती है और सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। ये जो सीमेंट क्लिंकर होता है उसका फिर चूर्ण बनाया जाता है और उसमें 2 से 3 प्रतिशत जिप्सम मिला देते हैं, जिससे सीमेंट के जमने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। जब सीमेंट एकदम से ना जमे, धीमे धीमे रूप से जमने लगता है, तो उस सीमेंट से बने हुए भवन की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है। हमने सीमेंट के संगठक के रूप में देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, एलुमिना, सिलिका, इन सबको देखा। अब हम ये जानेंगे कि सीमेंट को जब कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका या एलुमिना या आयरन के ऑक्साइड से बनाया जाता है,
तो कौन कौन से यौगिक बनते हैं? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है जो कि सीमेंट का 26% भाग बनाता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कि 51% भाग बनाता है, और ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट जो कि 11% भाग बनाता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो सूत्र है Ca2SiO4, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र है Ca3SiO5, और ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट का सूत्र होगा Ca3Al2O6। तो इस तरह से ये तीनों मुख्य इसके यौगिक होते हैं, इन सब का ही मिश्रण जो है वो सीमेंट होता है। सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया है, जैसा हमने देखा कि सीमेंट में जैसे जैसे जल मिला दिया जाता है एक पिंड जैसा, जिलेटिनस पिंड जैसा पदार्थ बना लेता है और धीरे धीरे वो कठोर होने लगता है। तो जब जिप्सम मिलाया जाता है तो ये उसके जमने की दर को थोड़ा कम कर देते हैं और सीमेंट अब थोड़ा धीमे धीमे गति से जमने लगता है, और तब तक ये प्रक्रिया चलती है जब तक कि वो पूरी तरह से ठोस नहीं हो पाता है। अब हम इस पूरे सीमेंट की प्रक्रिया में जो कच्चे पदार्थ लिए गए हैं और कैसे उनका प्रयोग हुआ है और किस तरह से इनकी अभिक्रियाएं हैं उसको समझेंगे। तो जैसा हमने देखा कि इसमें एक चूने का पत्थर मुख्य कच्चा पदार्थ है, तो चूने का पत्थर जब गर्म किया जाएगा तो वह ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया उसकी क्रिया जब सिलिका से कराई जाती है तो 2CaO+SiO2 = बनता है 2CaO.SiO2, तो ये बना डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसी प्रकार 3CaO+SiO2 = बनता है 3CaO.SiO2, तो ये बना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। यदि एलुमिना की क्रिया कराई जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड से तो 2CaO+Al2O3 = 2CaO.Al2O3 बनता है, तो ये बनता है डाई कैल्शियम एलुमिनेट। इसी प्रकार ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट भी बनेगा 3CaO+Al2O3 = 3CaO.Al2O3 बनता है ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट। जब आयरन के ऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका की क्रिया होती है तो बनता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये भी सीमेंट के निर्माण के समय एक मुख्य यौगिक या मुख्य संगठक के रूप में प्रयोग आता है। तो इसका रिएक्शन होगा 4CaO+Fe2O3 = 4CaO.Al2O3.Fe2O3, तो बनता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। जैसा कि हमने देखा कि सीमेंट एक देश की उन्नति में उपयोग में लाया जाने वाला एक मुख्य पदार्थ होता है, तो सीमेंट की लोहा और स्टील के बाद सबसे मुख्य ऐसा पदार्थ है जो कि भवन निर्माण में प्रयोग में आने वाला पदार्थ होता है। सीमेंट को जब उपयोग में लाया जाता है तो इसको कई तरीके से उपयोग में लाया जाता है, मोर्टार के रूप में, प्रबलित कंक्रीट के रूप में जिसे रीइंफोर्समेंट कंक्रीट भी कहा जाता है, और सिंपल कंक्रीट के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो हम ये जो नए शब्द हैं इसे थोड़ा जानेंगे कि मोर्टार वास्तव में क्या होता है। तो ये मोर्टार बनाया जाता है सीमेंट, मोटा रेत और जल का मिश्रण, इसको मिलाकर ईंट जोड़ने में और दीवारों पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट, कंक्रीट बनाने के लिए जो सीमेंट है उसमें रेत, जल और छोटे छोटे ईंट के टुकड़े मिला दिए जाते हैं, तो कंक्रीट इन सब का मिश्रण होता है, इसको बनाते हैं और इसके द्वारा पुल, बांध ये सब बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रबलित कंक्रीट, तो यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है, लोहे की छड़ भी डाल दी जाती है, तो साधारण कंक्रीट ही है, साधारण कंक्रीट में अब मिक्स कर देते हैं लोहे की छड़, मोटे मोटे तार में से गूंथ कर इसकी शक्ति को और बढ़ा दी जाती है, तो इसे कहा जाता है प्रबलित, यानी इसको कंक्रीट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है प्रबलित कंक्रीट। जब ये जमता है तो बहुत अधिक प्रबल हो जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम दो तत्व हैं, ये हमारे जैविक प्रक्रम में
या जो बायोलॉजिकल प्रोसेस शरीर के अंदर होता है या पौधों में, जंतुओं में, हर जगह इसका एक महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। कुछ प्रोसेस को हम समझेंगे। तो जो मैग्नीशियम है वो जंतु कोशिका के अंदर, आयनों की सांद्रता मैग्नीशियम आयनों की ज़्यादा होगी, जबकि कोशिकाओं के बाहर कैल्शियम आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है। जो मैग्नीशियम आयन्स होते हैं वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं और फॉस्फोहाइड्रोलेज और फॉस्फोट्रांसफरेज जो एंजाइम होते हैं उसके एक मुख्य घटक के रूप में ये होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो हैं वो तंत्रिका रेशों द्वारा संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं और उसके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तंत्रिका रेशों द्वारा जब संवेदनाएं जाती हैं तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों का कार्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक वयस्क शरीर में देखा गया है कि मैग्नीशियम 25 ग्राम, कैल्शियम 1200 ग्राम, वहीं आयरन 5 ग्राम और कॉपर 0.06 ग्राम होता है। यहाँ पर आप इस ग्राफ के द्वारा इसे समझ सकते हैं। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम की दैनिक जीवन में जो आवश्यकता होती है वो 350 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम होती है। मैग्नीशियम को देखा गया है कि जंतुओं में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, पौधों में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इनका है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल है वो एक मुख्य पदार्थ के रूप में होता है, तो जो ये क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का ही एक संकुल होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक में मैग्नीशियम आयन्स के रूप में होते हैं। तो क्लोरोफिल वर्णक में जो मैग्नीशियम है उसका क्या कार्य होता है? तो जो मैग्नीशियम है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये गति प्रदान करता है। जितने भी एंजाइम होते हैं वो फॉस्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं और मैग्नीशियम का उपयोग सह घटक के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में कैल्शियम का जो 99% भाग है वो दांतों में, हड्डियों में होता है और कैल्शियम आयनों का हार्मोन्स की क्रियाओं में संदेश वाहक के रूप में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों के संकुचन में या तंत्रिका संकेतों को प्रारंभ करने में भी कैल्शियम आयनों का यूज़ होता है। रक्त का थक्का जमाने समय भी कैल्शियम आयनों का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रोटीन संरचनाओं को स्थायित्व देने के लिए कैल्शियम आयन की महत्ता होती है। प्लाज्मा में जो कैल्शियम आयन है उसकी मात्रा होती है लगभग 100 mg प्रति लीटर। जो दो हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन, ये दोनों हार्मोन इसे बनाए रखते हैं।